मैं चलता हूँ. हैव अ ड्रिंक एट लीस्ट. नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस. ओके बाय बाय. बाय बाय. बाय बाय. ये आप लोग अपनी जिम्मेदारियां पिंग पोंग की तरह दूसरों पर क्यों उछालते हैं? मिस्टर नायक, ये काम मैंने आपको सौंपा था कि किसी भी तरह वो डॉक्यूमेंट्स आज ही रवाना हो जाने चाहिए. क्या टाइपिस्ट नहीं आई? ओ, तो आपके कहने का मतलब ये है कि जिस दिन टाइपिस्ट नहीं आएगी उस दिन ऑफिस का कोई काम नहीं होगा, राइट? मिस्टर नायक, एक काम करें, आप उस टाइपिस्ट के पास जाएं, उनसे पूछें कि महीने के कौन कौन से दिन वो नहीं आने वाली, उस हिसाब से हम सारे ऑफिस स्टाफ को छुट्टी दे देंगे. अरे क्या, सॉरी सर. मिस्टर नायक, आप कहना क्या चाहते हैं? आप चाहते तो वो डॉक्यूमेंट्स बाहर से भी टाइप करवा सकते थे. जी हाँ. एनीवे, लुक इन द मैटर नाउ, किसी भी तरह वो डॉक्यूमेंट्स आज ही रवाना हो जाने चाहिए. ओके. या ये लोग नहीं. ये क्या कर रही हो तुम? मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे घर में बैठी हूँ किसी पब्लिक बूथ पर. पब्लिक बूथ तो नहीं, लेकिन तुम अपने एक बहुत ही प्राइवेट बूथ में बैठी हो. एक ऐसा बूथ जो बहुत ही जल्द तुम्हारा ससुराल बनने वाला है. ऐसा लग नहीं रहा है. वो क्या है कि जिस घर में सास नहीं होती ना, वो ससुराल ससुराल नहीं लगता. एक फोन कर लूं? नहीं नहीं ऋषभ, अभी एक भी फोन नहीं. आज तुमने ऑफिस से छुट्टी मेरे लिए ली है ताकि हम शादी की तैयारियां कर सके. कब से इम्पोर्टेंट कामों की लिस्ट लेके बैठी और तुम्हों की देखा भी नहीं. देखो मेरी बात सुनो. नहीं डरने की कोई जरूरत नहीं. शादी के लिए सबसे जरूरी चीज होती क्या है? दुल्हन, जिसे मैं बराबर देख रहा हूँ, है कि नहीं? और रही बाकी बातें, वो तो ये रिश्तेदार किस दिन काम आएंगे उन्हें करें. तो हम तो भैया बस शादी करेंगे. एक फोन कर लूं? नहीं मिलेगा. अरे शब, शादी की तैयारी भी हम खुद ही करेंगे. मेधा, मैं शादी के लिए पूरी तरह तैयार हूँ. रही तुम्हारी तैयारी की बात, तो तुम्हें मैं अभी तैयार कर देता हूँ. और अगर तुम कहो तो वो क्या है कि ऐसी तैयारी तो मैं करवाने के लिए तुम्हें ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा. छुट्टी क्या, मैं रिटायर ही हो जाऊंगा. तो तुम एक बार बोल के तो देखो. मजा आता ना ऐसी तैयारी में. हेलो मिस्टर लूथरा. मिस्टर लूथरा, ऋषभ बोल रहा हूँ. जी हाँ वो. हाँ मैं अभी चलता हूँ. महेन मल्होत्रा ने ये ऐसे कहा जैसे कि उसका बिल्कुल जी नहीं कर रहा था जाने के लिए. हाँ दिखता तो ऐसे है कि अब महेन मल्होत्रा काबू में आ जाएगा. तुम्हें तो सिर्फ इतना दिखता है. मुझे तो दिखता है कि महेन मल्होत्रा अपनी सारी डोरियां तुम्हारी उंगलियों में बांधकर चला गया है. मैत्री, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ. जो मुझे लगा वो मैंने बताया. महेन मल्होत्रा की टांगे बोतल में उतर गई है. अब वो फिसल कर पूरी तरह बोतल में उतर जाएगा. कुकु, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो फिर तुम मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहे? तारीफ करता हूँ तो तुम